चलो तो एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose focus is 10,0 and directrix is 10। पहले एक क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन से तुम लोग करना, ठीक है? जब मैंने पैराबोला स्टार्ट किया था, कॉनिक सेक्शन स्टार्ट किया था, तो वहीं पे हमारे पास एक कंडीशन थी। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस इज ए कॉमा जीरो एंड इसकी वैल्यू हमारी दी हुई है 10,0, ठीक है? तो ए इक्वल टू बन गया 10 एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज एक्स इक्वल टू माइनस ए, यहां पे दिया है एक्स इक्वल टू माइनस 10। तो ये सारी की सारी चीजें कब होती है? सो दीज कंडीशंस आर फॉर द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब a की जगह क्या हो गया 10, सो इक्वेशन विल बी y स्क्वायर इक्वल टू 4 × 10 x, मतलब y स्क्वायर इक्वल टू 40x। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद फोकस एट 0,5 एंड डायरेक्ट्रिक्स वाई इक्वल टू -5 करो। चलो तो यहां भी हम सेम कंपेयर कर रहे हैं, डायरेक्ट्रिक्स वाई इक्वल टू -8 फोकस 0,a डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू -8, ठीक है? डायरेक्ट्रिक्स हो गया y इक्वल टू -8, फोकस 0,a डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू -8, ठीक है? सो 0,a इसको किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? 0,5 के साथ। सो a इक्वल टू हो गया 5, ठीक है? सो इन दैट कंडीशन ये हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। देयरफॉर इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a मतलब 20। सो दिस इज द आंसर, ठीक है? नोट करो। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स एट
0, 0 and focus at minus 2, comma 0. Okay? Vertex at 0, 0 and focus at minus 2, comma 0. So focus हो गया हमारा minus 2 comma 0, vertex is 0 0. So the equation of parabola in this condition will be y square equal to minus 4ax. ठीक है, अब यहाँ पर compare करने के बाद a की value क्या आ गई, a equal to यहाँ पे हो गया 2. ठीक है, so equation will be y square equal to minus 8x. ठीक है, same इसी का एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं. यहां पे दिया है vertex 0 0 and focus 0 comma 2. में क्या होगा, इसमें दूसरे साइड का हो गया पैराबोला, मतलब ये y x स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाला पैराबोला बन जाएगा यहाँ पे. वर्टेक्स हो गया 0 0, फोकस हो गया 0 कॉमा 2. ठीक है, तो यहाँ पे कंपेयर करके a इक्वल टू क्या बन रहा है, 2, क्योंकि 0 कॉमा a होता है. ठीक है, इक्वेशन इज x स्क्वायर इक्वल टू 4ay. तो हमारे पास इक्वेशन क्या बना, x स्क्वायर इक्वल टू 8y. दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला. ठीक है.